गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। वाईफाई स्टडी विद नंदिनी डिस्कस करेंगे 12th अगस्त के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखते हैं और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उसके भी पहले आप सबका शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए, आपके भरोसे के लिए और आपके प्यार के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या खास है आज के सीए की क्लास में हमारे। शंकराचार्य जी का कथन है कि बुद्धि के सिवाय विचार प्रचार का कोई दूसरा शस्त्र नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही अन्याय को मिटा सकता है। अब इस बात को अगर समझने की कोशिश करें तो शंकराचार्य जी हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से तर्क करो तो शास्त्र के आधार पर करो, बुद्धि के आधार पर करो, न कि सतही बातों के आधार पर करो या सुनी सुनाई बातों के आधार पर करो। और अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे, आपके विचार अच्छे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो समाज में जो फैली हुई अन्याय की जो भावना है उसको मिटाने का काम कर सकता है। तो इन्हीं विचारधारा के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट जो हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है ये बात कि भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ वाले दिन मनाया जाता है, यानी कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर का युवा दिवस है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर का या इंटरनेशनल यूथ जो डे है वो हम कब मनाते हैं? तो वो हम मनाते हैं 12 अगस्त को, क्योंकि 12 अगस्त का दिन डिसाइड किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1999 में। और उसके बाद सन 2000 से हम रेगुलर 12 अगस्त को ही अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। और इस बार की जो थीम है वो थीम क्या है? तो थीम है युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर, यानी कि ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। इस थीम के साथ हम मना रहे हैं इस बार का अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। क्लियर? अच्छा, देखिए नेशनल यूथ डे के बारे में भी बात कर ली कि 12 जनवरी को मनाया जाता है भारत में। ओके, क्लियर। और नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में जो युवा हैं उनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स को लेकर आया गया है हमारे देश की जो सरकारें रही हैं उनके द्वारा। तो कुछ स्कीम्स के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। इनके नाम जरूर याद रख लेना। जैसे भारत में जनरेशन अनलिमिटेड, राष्ट्रीय कैरियर सेवा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और स्किल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड रोजगार के लिए उनके जो यूथ हैं उनकी स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की योजना। इस तरीके की योजना है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ओके, देखो भारत सरकार के द्वारा हमारे देश के जो यूथ हैं उनके लिए भी कई सारे जैसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। एक तो है कि योजना बनाकर उसको क्रियान्वित करना, और एक है इनिशिएटिव्स लेना। इनिशिएटिव लिया गया है कि उनके पोषण के लिए, उनके हेल्थ के लिए, और जो भी वैश्विक स्तर पर भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पहले करी गई हैं वो कौन कौन से हैं? तो वर्ल्ड प्रोग्राम फॉर ऑफ एक्शन फॉर यूथ, ग्लोबल यूथ समिट और ग्लोबल यूथ स्किल्स डे। तो इस तरीके के बहुत सारे योजनाएं और प्रोग्राम चलाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। देखो वर्ल्ड एलिफेंट डे हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाने के पीछे मोटिव ये है कि जो एलिफेंट है उनका इकोलॉजिकल सिस्टम में हमारे एनवायरनमेंट के क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना पहली चीज। दूसरी चीज, हाथियों के प्रति जो अवैध व्यापार किया जा रहा है, उनके शारीरिक अंगों को बेचा जा रहा है और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। अच्छा, पूरी दुनिया में जितने भी हाथी पाए जाते हैं उसका लगभग 60% भाग भारत में पाया जाता है। ओके, क्लियर। अच्छा, इसकी जो स्टार्टिंग करी गई थी वो 2012 में करी गई थी विश्व हाथी दिवस अभियान के रूप में। और इसके पीछे का मोटिव ये था जब इसकी स्टार्टिंग करी गई थी कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के जो हाथी हैं उनको उनका अवैध व्यापार हो रहा था, उनकी हत्या कर दी जा रही थी। तो इस बात पे ध्यान देने के लिए ही 2012 में विश्व हाथी दिवस अभियान शुरू किया गया था, ठीक है। और उसी के बाद से इसे एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाने लगा था। क्लियर?
देखो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो हाथी हैं भारत में कर्नाटका में आपको देखने को मिलेंगे। 2017 की जो गणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद आसाम आता है और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है केरला। ओके, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भारत में जो भारत के स्टेट है उसमें हाथियों की संख्या का क्या रेशियो है। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि जितने भी स्तनधारी हैं, है ना, जो भी स्तनपायी जानवर है उसमें से वो कौन सा जानवर है जिसकी जो गर्भावस्था है वो सबसे लंबी रहती है। तो वो हाथी ही जानवर ऐसा है जिसकी जो गर्भावस्था है वो सबसे लंबी रहती है, लगभग 22 महीने, 680 दिन, या इसको 22 महीने आप कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट पब्लिक स्कूल ऑफ गर्ल्स के बारे में बात करेंगे तो भारत में लड़कियों के लिए पहला पब्लिक स्कूल राजस्थान के जयपुर में खोला गया था, महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल के नाम से। महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल के नाम से, जिसको MGD जयपुर भी कहा जाता है। और ये वहां की जो राजमाता थी जयपुर की, गायत्री देवी जी, उनके नाम पर खुला था। और इस कब खुला था, तो 12 अगस्त को खुला था 1943 में। क्लियर, समझ गए। न्यूज है, एयर इंडिया ने अपना जो नया लोगो है उसको लॉन्च कर दिया है 10 अगस्त को नई दिल्ली में। नए लोगो में आप देखेंगे व्हाइट कलर, रेड कलर और जो बैंगनी कलर है उसका प्रयोग किया गया है। और इसका नाम क्या रखा गया है, तो द विस्टा। जरूर याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द विस्टा लोगो किस कंपनी का है, किस एयरलाइन का है। तो आंसर क्या होगा हमारा, हमारा आंसर होगा एयर इंडिया। ओके, क्लियर। अच्छा, ये क्यों किया गया है, तो इसकी एयर इंडिया की रिब्रांडिंग के लिए, इसकी नई पहचान के लिए किया गया है। लोगों के साथ साथ में इसका जो एक थीम गीत है उसको भी लॉन्च किया गया है एयर इंडिया के द्वारा। क्लियर। करीना कपूर खान के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखो करीना कपूर खान को जो प्लग है ना, प्लग जो कंपनी है, प्लग कंपनी की स्थापना करी गई थी 2021 में जुलाई में। इसका काम क्या है, इसका मोटिव ये है कि ये सीधे फलों और सब्जियों को खेतों से उठाकर लोगों के टेबल तक पहुंचाए। तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साझेदारी करी है करीना कपूर खान ने। क्लियर, यही न्यूज है हमारे पास। देखिए यहाँ पर न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं। न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो महाराष्ट्र का जो भुसावल डिवीजन है वहां पर आपको न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन मिलेगा, जो पिंक स्टेशन के रूप में बनाया गया है। और इसके पहले भी महाराष्ट्र में दो पिंक स्टेशन बनाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र का जो मुंबई डिवीजन है वहां का मांडुंगा रेलवे स्टेशन जो है वो पहला है, ऐसा पिंक स्टेशन है। दूसरा है नागपुर डिवीजन का अजनी स्टेशन, जो दूसरा पिंक स्टेशन है। और तीसरा न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन है। अच्छा, ये पिंक स्टेशन का मतलब क्या है, पिंक स्टेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं वो सारी महिलाएं हैं, और जो भी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं वो सारी महिलाओं के द्वारा ही प्रदान की जा रही हैं। क्लियर। सेबी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। सेबी मतलब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, या फिर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हुए हम सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सेबी के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है, आईपीओ की लिस्टिंग में जो टाइम लगता है उसको घटाकर सेबी ने 6 दिन से 3 दिन कर दिया है। अब 6 दिन से 3 दिन करने की वजह से क्या होगा, एक तो समय सीमा कम लगेगी, दूसरी चीज जो कंपनियां हैं उनको, उन कंपनियों में जो भी इन्वेस्टमेंट हुई है उसको वो जल्द से जल्द प्राप्त कर पाएंगी। तो इससे उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके काम में आसानी हो जाएगी। क्लियर। और नेक्स्ट बात करते हैं केरला के बारे में। केरला विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम रखने के लिए मंजूरी दे दी है, यानी कि अब केरला का नाम क्या हो जाएगा, केरलम हो जाएगा, ऐसी मंजूरी दे दी गई है केरल के विधानसभा के द्वारा। अच्छा, केरलम ये जो शब्द रखा गया है, ये जो नाम रखा गया है वो क्यों रखा गया है, क्योंकि केरल की जो एक सांस्कृतिक विरासत है और केरल की जो भाषा है उसकी पहचान केरलम में है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। और केरल का एक भाषा के आधार पर गठन किया गया था 1956 में, 1956 में भाषाई आधार पर केरल की स्थापना करी गई थी। क्लियर।
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, जो भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जो 24 घंटे सातों दिन अपने ग्राहकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो बैंकिंग के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके लिए इसने कुछ फीचर्स को अपनाया है जिसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि ये सिग्नेचर का वेरिफिकेशन करता है, वीडियो वेरिफिकेशन करता है, चेहरे की पहचान के लिए एआई का इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके से इसने कई सारे फीचर्स का इस्तेमाल करके अपनी बैंकिंग सेवाएं स्टार्ट कर दी हैं, जो उपभोक्ताओं को 24 घंटे एक बैंकिंग सेवा दे सकता है वीडियो कॉल के माध्यम से। अच्छा, इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं वो कौन है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस बैंक के, वो कौन है? तो वो है उत्तम टिबेरवाल। कौन है? उत्तम टिबेरवाल। क्लियर। देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करेंगे तो ये ऐसा बैंक है भारत का जो राजस्थान से स्टार्ट किया गया था, ठीक है, यानी कि सबसे पहले इसकी ब्रांच कहाँ खोली गई थी, तो राजस्थान में खोली गई थी, और ये स्पेशली ग्रामीण और जो अर्ध शहरी जगह है वहां पर ज्यादा डेवलप करता है, या वहां के मार्केट के लिए, वहां के लोगों के लिए काम करने के उद्देश्य से बनाया गया था। क्लियर। आरबीआई के बारे में बात करेंगे। आरबीआई ने यूपीआई लाइट पेमेंट की जो लिमिट है उसको बढ़ा दी है। सबसे पहले यूपीआई का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को यूपीआई कहा जाता है। इसकी जो लिमिट थी, इसकी जो लाइट पेमेंट लिमिट थी, वो 200 रुपए थी। इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा, तो 500 रुपए कर दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो भुगतान की सीमा है वो 2000 रुपए तक की कर दी गई है, तो ये थोड़ा याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ में आरबीआई के द्वारा ये भी बोला गया है कि यूपीआई लाइट में आप 2000 रुपए तक रख सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीआई के बारे में ही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। वो 4 सहकारी बैंक कौन से हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो श्री विनायक सहकारी बैंक, श्री जी भाटिया सहकारी बैंक, मिजोरम शहरी सहकारी विकास बैंक है, और बीटा शहरी सहकारी बैंक है। इन बैंकों पर कुल 4,20,000 रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। क्लियर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है, काफी ज्यादा सुर्खियों में है, और इनके द्वारा ही सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब ये सुस्वागतम पोर्टल क्या है? सुस्वागतम पोर्टल के अकॉर्डिंग अगर कोई वकील, कर्मचारी या कोई नागरिक सुविधा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करना चाहता है, किसी कमरे में जाना चाहता है, वहां के हॉल में जाना चाहता है, तो उसके लिए उसको ई पास दिया जाएगा जिसमें QR कोड होगा, है ना। तो उस QR कोड के आधार पर उसकी स्कैनिंग करी जाएगी और उसको प्रवेश दे दिया जाएगा। क्लियर। अच्छा, इसके पीछे का मोटिव क्या है? इस पोर्टल के का मोटिव ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में भीड़ लगती है, जो लाइनों की जो कतारें लगी होती हैं, उसको कम करना है, सुव्यवस्थित तरीके से, एक मैनेजमेंट तरीके से लोग उसमें प्रवेश करें। और तीसरा ये है कि पेपरलेस को बढ़ावा देना, यानी कि कम से कम कागजों के इस्तेमाल पर फोकस करना। क्लियर। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पोर्टल है सुस्वागतम पोर्टल, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। इस सेशन में इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए विचारों के साथ, नए न्यूज के साथ में। तब तक टेक केयर, खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए, और जीवन में आगे बढ़ते रहिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।